मोंगरी में सरदबड़ का ये जंगल है और यहाँ पे बहुत पुराने पेड़ जिसमें एक है तिम्बरू, तेजोबल, टूथेक ट्री, ज़ैंथोक्साइलम आर्मेटम, जो कई दंत मंजन में डावर के लाल डावर में भी पड़ता है, और एरोमेटिक ट्री है ये और नेटिव है इस इलाके का, और इसके जो फल हैं उसको मसाले के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और दातुन बहुत अच्छी होती है, और कुंडा डंडा जो बनाया जाता है इसकी लकड़ी का, बहुत ही एरोमेटिक वुड होती है और पीले रंग की होती है, इसलिए इसका नाम है ज़ैंथोक्साइलम आर्मेटम। और सर दब्बड़ में एक खास बात जो है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक देवस्थान है बाबा कंसर देवता का, ये स्थान है, और यहाँ के जो लोग थे कहीं ना कहीं वो बहुत पहले की बात सुनाते हैं, यहाँ पे आके वो प्लोइंग करने लगे, और वो देवी देवता जो थे कंसर, उनको ये नहीं था मंजूर, और यहाँ पे कहते हैं कि इस जगह पे यहाँ पे वो प्लोइंग करने लगे तो इतना यहाँ पे पानी भरता गया, पानी का एक बहुत बड़ा सर बन गया, और उसमें 22 जो ऑक्सन पेयर थे, जब प्लो बाई प्लो और 44 ऑक्सन, वो डूब गए पानी में। तो यहाँ पे सर था, एक वेटलैंड थी, तालाब था, और उसके अवशेष अभी भी हमें नजर आते हैं जब हम ये प्लांट देखते हैं, एकोरस कैलमस, जिसको नागलच भी कहते हैं भद्रवाह में, कश्मीर में इसको वाईगंडर कहते हैं, या डोगरी में हम इसको बरिया कहते हैं। काफी एरोमेटिक मार्श हर्ब है, और ये पानी है, तो पानी के ही इस वेट वेजिटेशन का ये हिस्सा है एकोरस कैलमस। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्बेरिस भी है, जिसको हम कैम्बलू कहते हैं या सिम्बलू कहते हैं या काउदश कश्मीरी लोग कहते हैं, तो कैम्बली की भी झाड़ियां हैं, और ये एक वेट वेजिटेशन में हमें यहाँ पे कसरोड भी नजर आ रही है, ये कसरोड है डिप्लेजियम एस्कुलेंटम, और ये नेटल प्लांट है अट्टिका डायोका, वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक मार्श हैबिटेट है, और इस मार्श हैबिटेट में वो जो जो प्लो कर रहे थे, जोत रहे थे हल, वो लोग यहाँ डूबे थे, इसलिए इस जगह को काफी एक धार्मिक मान्यता प्राप्त हुई, और यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की गई है जिसको बोलते हैं बाबा कंसर देवता, और यहाँ पे 3 दिन का मेला जो है वो लगने जा रहा है। तो अभी जो आज पहला दिन है, कल से शुरू होगा यहाँ पे मेला, और 3 दिन का मेला, और उस मेले के लिए यहाँ पे लोग जो है आते हैं और अपने देवता के सामने माथा भी टेकते हैं, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनको एक सेक्रेड ग्रोव का दर्जा अब इसीलिए हासिल है कि यहाँ पे कोई आके पेड़ को नहीं काटता है। तो कुछ तो यहाँ पे वॉलनट के पेड़ हैं, ये वॉलनट है, और वॉलनट यहाँ पे लगे भी हैं, कच्चे वॉलनट है, अखरोट जुगलिन सरिजिया, जो बहुत ही बढ़िया नट होता है मार्केटेड। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लगाए हुए हैं यहाँ पे एकोरस कैलमस, और उसके साथ साथ ये टॉल ट्रीज हैं जुगलिन सरिजिया के, लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें चांप के दरख्त भी हैं, पयाक या प्रैक जिसको कहते हैं, और ये बेसिकली है एलनस नाइटिडा, लेकिन बहुत पहले कहते हैं कि यहाँ पे मराड़ू के भी दरख्त होते थे। मराड़ू जो है वो एक किस्म का अलमस है, जिसको चेरी बार्क एलम कहते हैं, और अलमस विलोसा, तो वो वाले जो पेड़ हैं वो अभी पेड़ यहाँ पे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वो पेड़ जो हैं समय के साथ साथ उनका जो है ह्रास हुआ है, वो नष्ट हो गए हैं, शायद फ्लड के कारण ही। और यहाँ पे हम आजकल जो पेड़ देख पा रहे हैं उसमें कुछ तो पॉपुलर के पेड़ हैं, ये पॉपुलर भी पॉपुलस डेल्टाइडिया लगाया हुआ है, और यहाँ पे कुछ पॉपुलर के ट्रीज गिर भी चुके हैं, और उसमें हार्स हूफ फंगस भी हमें दिख रही है, जो एक वुड रॉट फंजाई होती है, वो इसको अब डिकम्पोज करेगी इस वुड को। और यहाँ पे एक
काफ़ी ज़्यादा रिच ग्रोव है पॉपुलस डेल्टोइडिया का, डेल्टोइडिस का, और साथ में ही ये जो एलनस नाइटिडा चांप और प्रैक है, और जितने भी ये पॉपुलर के पेड़ हैं ये बेसिकली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनको अटैक हुआ, खास करके जो मरा हुआ पॉपुलर है उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं पॉलीपोर फंगस, बिल्कुल घोड़े के खुर के समान ये जो है वुडराट फंगस है जो उसके ऊपर लगी हुई है। और बहुत से ये लोकेशंस हैं जिस नीचे हमें टेरेस क्रेटिका की बुशेस भी दिख रही हैं, और एक जो पेड़ है पेड़ों में हमें ये दिखता है बर्च फैमिली का ही ये पेड़ है, जिसकी फीमेल जो होते हैं बुड्डी कोन्स होती हैं, ये बड़ा यूनिक करेक्टर है एलनस का। तो एलनस में फीमेल जो है बुड्डी कोन्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जिम्नोस्पर्म नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसमें ये बुड्डी जो है वो कोन्स होती हैं। तो साथ ही साथ बाइवर्नम ग्रैंडीफ्लोरम की बुशेस भी हैं, और एक फर्नरी अपने आप में ही एक दूर तक जाती है टेरेस क्रेटिका। पूरा जो ग्राउंड फ्लोरा है इट इज कॉलोनाइज्ड बाय टेरेस क्रेटिका, और यहाँ पे जिधर तक नजर आती है तो दो तीन पेड़ ही हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, या तो पॉपुलर है या फिर जुगलेंस रिजिया है या फिर एलनस नाइटिडा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला 3 दिन का लगने वाला है कल से, और यहाँ पे एकोरस कैलामस एक मेडिसिनल मार्श हर्ब है जिसको यहाँ के लोग एंथलमिंटिक के तौर पे पेट के इंटेस्टाइनल वर्म्स को दूर करने के लिए, उनको निकालने के लिए यूज करते हैं इसकी जड़ को, और काफ़ी परफ्यूमरी में भी ये यूज होता है, एरोमेटिक प्लांट है ये एकोरस कैलामस। लेकिन अब यहाँ पे सर नहीं है, वेटलैंड नहीं है, तो वो यूं ही वो हादसा हुआ था जहाँ पे कहते हैं कि 44 बैल और उनको जोतने वाले 22 फार्मर्स जो है डूब गए थे पानी में। उसके बाद यहाँ पे अब कोई भी किसी प्रकार की भी यहाँ जो है कल्टीवेशन नहीं होती है इस लोकेशन पे, और ये सारी एक सेक्रेट ग्रोव है और सेक्रेट जगह है देवता कंसर देवता की जगह। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तो कैम्बलू है बर्बेरस लाइसियम, और दूसरा बीच में कैंथ भी है पायरस पाशिया, और तिम्बरू है जेंथोजेलम आर्मेटम, और नीचे जो है थिसल्स भी हैं, और थिसल्स आर वेरी गुड होस्ट प्लांट फॉर बटरफ्लाइज। पेंटेड लेडी बेनिसा कार्डुआई और इट इज ऑल्सो ग्रोइंग हियर। तो ये हमारा सरसियम वलिचियाई। टडर का गांव, और यहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें एक तो वाइल्ड ऑलिव है ओलिया यूरोपिया वेराइटी कस्पिडेटा, जिसको डोगरी में कऊ बोलते हैं, बड़ी स्ट्रांग वुड होती है इसकी, और जेंथोजेलम आर्मेटम तिम्बरू तो है ही, लेकिन खास चीज जो है जहाँ बटारन है ये, जिसको हम पज्जा कहते हैं, या वाइल्ड हिमालयन चेरी प्रूनस सेरेसोइडिस, इसके पेड़ भी यहाँ पे हैं। और साथ में हमारे इधर एक बरमेड़ी जो है या गलदेई भी जिसको बोलते हैं रैमनस ट्राइक्वेटर वो भी है, और फिर अनारदाना प्यूनिका ग्रेनेटम उसकी भी बुशेज हैं, और प्यूनिका ग्रेनेटम अनारदाना दाड़म उसके ऊपर ही लगा हुआ है डेंड्रोफ्थी फाल्केटा, तो इसके फूल जो है लाल लाल फूल निकले हुए हैं, और बर्बेरस लाइसियम जो है दारू हरिद्रा इसके भी फल आ रहे हैं। और इस एरिया में रूबिया कार्डिफोलिया के भी हमको क्लाइंबिंग प्लांट्स दिखे, साथ में डेब्रिजियासिया सलिसीफोलिया या डेब्रिजियासिया हाइपोल्यूका
जिसको बोलते हैं रिया बुश, और फाइकस अरिकुलेटा या राक्स वर्ग स्पिग भी यहाँ पे है, और माइक्रोमेरिया बाइफ्लोरा, ये छोटे छोटे ये गुलाबी पिंक फ्लावर्स हैं, ये सारा माइक्रोमेरिया, हजार पत्ती, सहस्र पत्ती, चिड़ुवेदा मरुआ, और ये हमारा एक और एडिबल रोमैक्स है, रोमैक्स हेस्टेट था और हेस्टेट डॉक, और ये कुछ आपने कलियां हैं, अनार की कलियां, और यहाँ पे वाइल्ड श्रब जिसमें मेडिसिनल बारबेरी है, बर्बेरस लाइसियम, साथ में ही यहाँ पे मेडिसिनल तिम्बरू की भरमार है, लेकिन जो फॉरेस्ट है यहाँ डोमिनेंट पाइनस राक्स बरगाई, और ये वाला रोड जो है रियासी की तरफ जाता है टोट, और टोट से रियासी को जोड़ता है ये। इस जंगल में हमको लोदरा भी दिखा, सिंप्लोकास क्रेटिगाइडस, और ये रैसबेरी, हिमालयन रैसबेरी जिसको बोलते हैं रूबस एलिप्टिकस, और ये अखरोट, अखरोट यहाँ पे बड़ा लगा हुआ है, और ये खड़क है हैकबेरी जिसको बोलते हैं सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस। पीछे जो हमने देखा वो तो रूबस एलिप्टिकस था, लेकिन ये वाला जो है रूबस दूसरा है, रूबस नाइवियस और रूबस अल्मीफोलियस, साथ में वही वन फकाड़ी है नीचे, फाइकस सारमेंटोसा, प्यूमार है रेबडोसिया रुगोसा, आइसोडान रुगोसस, प्लेक्ट्रेंथस रुगोसस, कई नाम है इसके सिनोनिम्स। तो ये जो है डेब्री जियासा, जियासिया हाइपोलिका, और फाइकस पामीटा भी है, साथ में ही ओल्ड मैंस बियर्ड भी है, इसको बोलते हैं क्लीमेटस, और यहाँ पे जो जंगल है उसमें यूनिक पौधे जो हैं, एक उसमें ददरी रुख भी है, ददरी दरलां को दोरिया को बोलते हैं, टडर के इलाके में, सरदबड़ के इलाके में, मोंगरी के इलाके में, जिसको दियारी बोला जाता है रामनगर के डुडू बसंतगढ़ में, लेकिन यहाँ के लोग उसको बोलते हैं ददर रुख, टूना साइनेंसिस, जिसकी खुशबूदार लकड़ी के कारण ही उसको कुछ लोग दियारी कहते हैं, जैसे देवदार की वुड जो है एरोमेटिक होती है, इसी तरह से टूना साइनेंसिस या टूना सरेटा, दोरिया, दरला, ददर रुख, उसकी भी लकड़ी जो है खुशबूदार होती है। तो ये मेरे साइन अफ्रीकाना है, उसकी बुशेस है, और पीछे इसके लगा हुआ है कड़कई, काकड़ा, कक्कड़ सिंगी, पिस्टेसिया, इंटेजरीमा, और ये है इंडिगोफेरा, नील जंगली, और ये है कैंथ, पायरस पाशिया, और यहाँ पे खास नाइट्रोजन फिक्सिंग एक बुश है, इसको बोलते हैं रिकनी और मसूरी बेरी, कोरियरिया नेपालेंसिस, ऊपर जो है वो डेब्रीजियासिया हाइपोलिका है, और नीचे जो है रिकनी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, जिसके नाम से मसूरी का नाम पड़ा, इसलिए इसको मसूरी बेरी भी कहा जाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, कोरियरिया नेपालेंसिस। और कहीं कहीं हमको यहाँ पे अमलूक भी मिला, डायस्पायरास लोटस, जो बेसिकली अंडर कल्टीवेशन है, कहीं खा के लोग फेंक देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी
प्लांट्स जो हैं उगाते हैं इन विल्डरनेस, लेकिन जो चांप है, प्रैक है विट्रुलो फैमिली का, वो एलनस नाइटिटा, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है और रिवराइन एरियाज में, ट्रैक्स में ज़्यादा मिलता है ये, तो ये भी यहाँ पे बहुत है। और ये त्रिम्बल है, इसके भी फल खाए जाते हैं। और कीस्टोन स्पीशीज है जंगल के, कई वाइल्ड लाइफ को ये सपोर्ट करता है। और बुलबुल जो है उधर हम देख रहे हैं, वाइट चीक्ड बुलबुल पिकनोनोडस लिकोजेनाइस, ये जो है डेब्रिजिया से हाइपोलिका के फल टेस्ट कर रही है, इस वक्त फल जो है पक रहे हैं, पकने वाले हैं। और इस जंगल में कहीं नीचे हमें रिवराइन में ओक के क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा दिख रहा है, ये है उसके नए पत्ते। इसकी खास बात यह है कि ऑटम में जब पत्ते ड्राई हो जाते हैं तो वो सर्दियों में लटके रहते हैं, आप भी हम देख पा रहे हैं एक शॉक जो है, इसके पत्ते सूखे हुए पत्ते इसके ऊपर हैं, और बाकी नए पत्ते जो हैं वो स्प्रिंग में आते हैं। तो पूरे विंटर हम सूखे हुए बंज के पत्ते जो हैं पेड़ पर लटके हुए देख सकते हैं। और ये जो है पार आप देख रहे हैं मोंगरी बसनूत का एरिया, और ये जो है देवता का स्थान है, कंसर देव स्थान। कल से यहाँ 3 दिन का मेला लगने जा रहा है और दूर दूर से लोग जो हैं जहाँ पे आएंगे और कंसर देवता की आराधना करेंगे। और यहाँ पे बहुत बढ़िया वॉलनट का ग्रोव है और ऊपर जो है चीड़ पाइन का फॉरेस्ट है। और आज भी मई का महीना है और बायोडायवर्सिटी मंथ है ये, और आज भी हम देख रहे हैं कि बादलों का डेरा है इन पहाड़ियों पर, और कई किस्म की नेचुरल ग्रोथ जो है जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचर प्लांट्स देख सकते हैं। ये मेले का इंतजाम शुरू होने वाला है, यहाँ पे पहले सर होता था, वेटलैंड होती थी, लेकिन आजकल एक दब्बड़ है, मीडो है,